अभी हम नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मौसम परिवर्तन हुआ है वैसे वैसे मरीजों की संख्या भी अब बढ़ने लग गई है। नारायणपुर ओपीडी की अगर अपन बात करें तो 700 के पार इस समय मरीज हैं और जो मरीज आ रहे हैं वो बुखार, खांसी, जुखाम, इस तरीके से जो मरीज आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूरण चौधरी जी हैं जो इस समय मरीजों को देख रहे हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा जिस तरीके से अभी जो मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है, क्या कारण है इसका बढ़ने का? ये जो मौसम परिवर्तन हो रहा है ना, इसके अंदर पेशेंट सावधानी तो बरत नहीं रहा और उसके साइड इफ़ेक्ट है, फिर वायरल और पोस्ट ब्रोंकाइटिस पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। अगर सावधानी, मौसम में जो मिक्स मौसम हो रहा है, अगर इससे सावधानी बरती जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। कैसे बचाव अगर करना चाहे मरीज तो कैसे बचाव कर सकता है वो? अपने आप को साफ सुथरा रखे और मौसम परिवर्तन की जो सब्जियां खा रही हैं, बाहर मार्केट की चीज़ें खा रही हैं, उनसे बचा जाए। और साथ में शादी चल रही है, उनसे भी अगर पेशेंट अपने आप को बचाव करेगा तो बचाव हो सकता है। दवाइयों की अगर बात करें तो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो मरीज इस समय ले रहे हैं हॉस्पिटल सीएससी से? सब दवाइयां उपस्थित है और पेशेंटों को पूरी दवाइयां हॉस्पिटल से ही उपलब्ध हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं ओपीडी है वो इस समय 700 के पार है, काफ़ी मरीज हैं वो बढ़े हुए हैं, बेड इस समय नारायणपुर अस्पताल में आपको खाली नज़र नहीं आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम गुजर भी है, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी जो मरीज जो आ रहे हैं सबसे ज़्यादा किस बीमारी के मरीज आ रहे हैं अभी? मौसम परिवर्तन की वजह से मौसमी बीमारी के मरीज आ रहे हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, साथ में उल्टी दस्त के मरीज भी आ रहे हैं। जो मौसम परिवर्तन की वजह से मतलब लोग ध्यान नहीं रख पा रहे हैं अपना प्रॉपर, बचाव अगर कैसे हो सकता है? जैसे थोड़ा खान पीन का ध्यान रखें और बदलते मौसम के हिसाब से अपना रहन सहन थोड़ा ढंग से रखें तो बचा जा सकता है। तो ये थे डॉक्टर विक्रम जी जो बता रहे हैं कि रहन सहन, खान पान, इस तरीके से अगर थोड़ा सा देख रेख अगर मरीज अपना करेगा तो ज़रूर स्वस्थ हो पाएंगे। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।